बॉलीवुड में राज, मर्डर और जन्नत जैसे फिल्म्स का ट्रेंड शुरू करने वाले महेश भट्ट को लगता है कि इन फिल्म्स ने ऑडियंसेस के दिल में जगह तो बनाई, लेकिन कभी भी क्रिटिक्स और एलीट ने इन फिल्म्स को नहीं सराहा। एक खास तरह की बुक की लॉन्च पर पहुंचे महेश भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कैसी उनकी फिल्म राज, जिसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था, वो मिलेनियम की बिगनिंग की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। And how do you do it? So what we borrowed from Hollywood was a high concept film, which was what? Raaz was a blockbuster. It held, it had the ghosts, it had erotica, it had music, and it had the mythology, Savitri, the great Savitri story of a wife fighting with the demon, with Yamaraj, and getting the husband back from the jaws of death. The biggest hit of the beginning of the century. साथ ही महेश भट्ट ने इन फिल्म्स की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अर्थ, सारंश और जख्मा जैसी फिल्म्स भी बनाई, लेकिन उन्हें इकोनॉमिक मसल पावर, मर्डर, जिस्म और जन्नत जैसी फिल्म्स ने दी। इट्स नॉट द अर्थ एंड द सारंश एंड द जख्म्स एंड द आशिकी एंड दिलगमंदनी व्हिच गिव मी द मसल, इट वाज दिस व्हिच द ज़ार्स एंड द ज़रीनास हैव डिसडेन फॉर Which really gave me the economic muscle. Well, महेश भट्ट का साफ कहना है कि बॉलीवुड में हर तरह की फिल्म्स को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और फिल्म्स की सक्सेस ऑडियंसेस के एक्सेप्टेंस के आधार पर होनी चाहिए, ना कि एलिट क्रिटिक्स के एक्सेप्टेंस के आधार पर। रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई।